फास्ट रोलिंग स्टेज आपके लिए लेके आया है टेस्टी यमी चॉकलेटी डोरा केक की रेसिपी, जो कि घर पे बनाना बहुत ही आसान है। कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स को अगर आप फॉलो करेंगे तो डोरा केक जो है बहुत ही टेस्टी बनके तैयार होंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। डोरा केक बनाने के लिए हमें पहले केक बैटर बनाना होगा। केक बैटर बनाने के लिए मैंने लिया है 1/2 पाउंड मिल्क मेड, कोई भी कंडेंस मिल्क आप ले सकते हैं और आप चाहें तो इसे घर पे भी बना सकते हैं। 2 चम्मच हमने बटर लेना है। कंडेंस मिल्क और बटर को हमने आपस में मिक्स करना है। बटर रूम टेम्परेचर पे ही लेंगे। कंडेंस मिल्क और बटर आपस में अच्छे से मिल गए हैं, तो अब हम इसमें 1 बड़ा चम्मच भर के लेंगे फ्रेश कर्ड यानी कि दही। इसी में जाएगा 1 चम्मच बेकिंग पाउडर, 1/4 टीस्पून मीठा सोडा। वेनीला फ्लेवर के लिए मैंने डाला है वेनीला पाउडर, आप चाहें तो वेनीला एसेंस का भी यूज़ कर सकते हैं। और थोड़ा सा पानी डाल के हम इसे एक्टिवेट करेंगे। इसमें जाएगा 1 बाउल मैदा, बाई वेट देखेंगे तो 100 ग्राम मैदा है ये। बैटर हमारा तैयार है, अब हम इसके पैनकेक बनाएंगे। मैंने यहाँ लिया है नॉनस्टिक पैन और इस पे बैटर को हम डालेंगे। ध्यान हमें यही रखना है, इक्वल प्रोपोर्शन में हमने बैटर को डालना है। गैस की फ्लेम है बिल्कुल लो रहेगी और बहुत स्लाइटली हमने इसको साइड से स्प्रेड करना है। हमने केक बैटर से बेसिकली पैनकेक तैयार करने हैं, जो कि बिल्कुल लो फ्लेम पे तैयार करने हैं और हम इसे लिड से कवर करेंगे। ध्यान हमें यही रखना है कि जो पैनकेक हमारे बन के निकलेंगे वो एक ही साइज के होने चाहिए। जब एक साइड से थोड़ा सा पैनकेक पक जाए तो हम इसे टर्न करेंगे। इस प्रकार से इक्वल साइज के हमने सभी पैनकेक को तैयार कर लेना है। टेम्परेचर जो है वो लो और मीडियम ही रहेगा। इस प्रकार से हमने सारे पैनकेक को तैयार कर लेना है। आप देख रहे होंगे कि कितने प्यारे हमारे डोरा केक के पैनकेक बनके तैयार हो रहे हैं। मैंने यहाँ हर्षी का आमंड स्प्रेड लिया है, आप अपने चॉकलेट स्प्रेड या कोई भी स्प्रेड ले सकते हैं। आप इसमें चॉकलेट सॉस को भी लगा सकते हैं। चॉकलेट सॉस की रेसिपी भी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। तो हमने स्प्रेड को लगाना है और सेकंड हमारा जो केक है वो इसके ऊपर रखना है। ये दोनों आप देख रहे होंगे थोड़े थिन हैं, क्योंकि हम जब बेकिंग पाउडर डालने के बाद अगर टाइम लगता है बनने में तो लास्ट वाले जो केक रहते हैं वो थोड़े थिन हो जाते हैं। तो अगर आप लार्ज क्वांटिटी में डोरा केक बनाना चाहते हैं तो बेकिंग पाउडर और मीठे सोडे को बाद में ऐड कीजिएगा, यानी कि घोल बनाने के बाद ऐड कीजिएगा। तो तैयार है हमारे टेस्टी यम्मी डिलीशियस डोरा केक, जो कि बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही चॉकलेटी बने हैं। आई होप कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्रोलिक स्टेज को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। बाय बाय।